हाय गाइस, आपका स्वागत है बिंदास आइडियाज चैनल में। मैं आ गई हूँ आज एक और नए वीडियो, एक और नए आइडिया के साथ, एक और नई रेसिपी लेकर। तो आज हम बनाएंगे बकले की सब्जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ ये कितना टेस्टी दिख रहा है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बकले की सब्जी बनाना। बहुत लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत टेस्टी लगती है। जो नहीं खाते हैं वो भी पसंद करेंगे इसे खाना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस इसे। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं फ्रेंड्स। ये ग्रीन वेज है तो इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। इसे ज़रूर खाना चाहिए, एटलीस्ट ईयर में 2 टाइम्स तो ज़रूर ही इसे खाना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने बकले को अच्छे से साफ़ करके रख लिया है और अब इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसे हमें ब्लांच ही करना है। तो अब हम इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, अब इसमें बकले को डालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम 3 स्पून ऑयल डालेंगे। और अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है। अब इसमें 2 बे लीफ्स डाल रही हूँ मैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 लौंग और 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। और अब थोड़ी सी इसमें मैं हींग डालूंगी। और ये भी अब हो चुका है तो इसमें मैं 3 फाइन चॉप ऑनियन डालूंगी, बिल्कुल फाइन चॉप है। और इसे भी अब अच्छे से सॉटे करेंगे, गोल्डन फ्राई इसे होने देते हैं, गोल्डन ब्राउन। प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें सबसे पहले मैं टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ 1/2 स्पून। उसके बाद मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून एंड 1/2 स्पून और डालूँगी मैं इसमें। चिली पाउडर मैं 1 स्पून डालूँगी। और अब इसमें जाएगा नमक, वो भी बिल्कुल स्वाद अनुसार डालिए। मैं इसमें 1 एंड 1/2 डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी गार्लिक पेस्ट 1 स्पून गार्लिक पेस्ट। एंड अब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ये 2 मिनट पक चुका है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और 1/2 स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 चॉप किए हुए टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा और पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे ढक के अच्छे से पकने देते हैं, मसाले अच्छे से पक जाए, फिर हम सब बनाएंगे अपनी। जब तक मसाले हो रहे हैं, बकले भी बहुत अच्छे से ब्लांच हो चुके हैं। अब हम मसाले अच्छे से रेडी करते हैं। अब मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1/2 स्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ,
इससे बहुत चटपटा टेस्ट आता है। अगर अमचून पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मसाले बहुत अच्छे से हो चुके हैं तो इसमें हमने जो बकला को बॉयल किया है वो हम इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बकला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैंने दो बॉयल किए हुए आलू रखे थे जिसे मैंने रफली चॉप किया है, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि बिना आलू के बकला उतना अच्छा नहीं लगता है। तो एक ज़रूर इसमें मिक्स कीजिए, एटलीस्ट 1 आलू भी इसमें ज़रूर मिक्स किया कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल थोड़ा सा 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइज अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। सब्जी बिल्कुल रेडी है गाइज, देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है, कितनी टेस्टी दिख रही है ये। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।